हमने कहा था उस समय भी बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं, अगर आप इकट्ठा नहीं होते, आप एक साथ नहीं होते, एकजुट नहीं होते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बार अपनी ताकत को एक जगह नहीं रखते हैं तो आपका कभी भी ये लोग भला नहीं बनेंगे। और अभी तो शुरुआत इन्होंने की है, ये तो इन्होंने खाली अभी आपको ट्रेनर दिखाया है 4.5 सालों में, अगली बार अगर ये बैठ गए गद्दी में तो आपको अपने अपने बिस्तर बांध के रखने पड़ेंगे। ये दलित समाज के लोगों को तो बिस्तर बनवा के बाहर नहीं भेज पाए, लेकिन आपको ये जरूर भिजवाने का काम करते हैं। आपको अपना अपना कोई ठिकाना कोई उत्तर प्रदेश के बाहर ढूंढने पर मजबूर कर देंगे। और इसीलिए जरूरी है कि आप 13% हो। 13% छोटी मोटी ताकत नहीं होती, बहुत बड़ी ताकत होती है 13%। और 13% बहुत बड़ी ताकत होने के बाद भी छोटी पड़ जाती है, इकट्ठा हो जाने के बाद भी छोटी पड़ जाती है। किस चीज के लिए? सत्ता में पहुंचने, सत्ता में अपनी अहमियत दिखाने के लिए, वहां पर अपनी कुर्सी पाने के लिए 13% छोटा पड़ जाता है। 13%, लेकिन अगर 23% से मिल जाए, जो 23% हमारे दलित समाज के भाई बहन है, जिनके साथ भाईचारा आप लोगों ने बनाया, वो अभी भी बना रहे हैं और आगे बनाते रहे और मजबूत करें। जो दलित समाज 23% है, जिसके साथ में पहले से ही अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये सब जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके साथ में जुड़ गए तो अकेले 23% और 13% 36% हो जाते हैं। 30% के ऊपर आप हर सीट पर तारीफ होंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और हमको एकत्रित होना पड़ेगा, अपना बंटवारा छोड़ना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए मुझे क्या मिलने वाला, व्यक्तिगत मेरा क्या होने वाला भला, अपने समाज के बारे में सोचिए कि समाज का क्या भला हो। याद करिए 2007 में ये छोड़ करके कि हमारा व्यक्तिगत क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समाज के हर लोग, पूरे समाज के लोग हमारे साथ एक साथ जुड़ गए थे और भाईचारा बना के दलित समाज के साथ में इकट्ठा हो गए थे। तो आपने जब सरकार पूर्ण बहुमत की बनाई थी तो पूर्ण बहुमत बनाने के बाद इतना मान सम्मान और स्वाभिमान जो सोच भी नहीं सकते थे, जो बहन मायावती जी ने 9 जून 2005 को जब 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में इकट्ठा हुए थे और 11,000 लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था, जिस समय उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा जो हमने दी थी हाथ में लेकर के नारा दिया था, जो हमारा नारा भी है, हम ही नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी तैयारी देख करके जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हम अवश्य देंगे। और आपको हिस्सेदारी दी, 40 सीटों के चुनाव पहले लड़े थे, उन्होंने सीधे सीधे 85 सीटों पे ब्राह्मण समाज के लोगों को उतारने का काम कर दिया। और एक दो नहीं, पूरे 45 लोग जीत करके आए थे, जहां 3 लोग थे 3 से 45 पहुंच गए थे ब्राह्मण समाज के। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी भाईचारा बना करके उन्होंने भी जहां हमारे रिजर्व सीटें थी, दलित समाज के लोग चुनाव लड़ते वहां ब्राह्मण समाज का कोई चुनाव नहीं होता। हम भी आज यहां पर कोई ब्राह्मण समाज का चुनाव नहीं करेगा, कोई भी प्रकाश या प्रबुद्ध वर्ग का चुनाव नहीं करेगा, ये रिजर्व सीट जहां पर है वो दलित समाज। तो वहां पर भाईचारा बनाने के जब काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया हमारे आह्वान पे, और ये करके दिखाया कि खाली चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं, जिसको भी पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने सराहा। आज भी उसके सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे करके उसमें कई कई सब्जेक्ट्स में पढ़ाई हो रही है, PhD तक हो रही है कि ये BSP ने जो सोशल इंजीनियरिंग करी थी और ये जो भाईचारा किया था इसका क्या कैसे किया गया, और जिसका इतना अच्छा निकला था, जो उसका नतीजा था कि जहां पर हमने उस समय भी आह्वान किया था कि अपने अपने क्षेत्र में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो बढ़ चढ़ करके आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी से 23% जुड़ा हुआ जो हमारा दलित समाज के भाई बहन है वो तो देखते भी नहीं है नाम खाली क्या है, उन्होंने जाके आपको वोट डालने का काम किया। आप वोट को डालिए, तन मन धन से उनका समर्थन करिए, लेकिन इसके साथ में सामाजिक कार्य भी करिए,
जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं, ब्राह्मण समाज ने जन्म लिया है वो इसी के लिए लिया है। और ये काम हम लोगों का होता है कि हम सामाजिक काम करें, सामाजिक समरसता फैलाएं। आपके क्षेत्र में अगर कोई भी दलित समाज का भाई या बहन उसके साथ उत्पीड़न होता है या उसके यहाँ कोई अच्छा कार्य होता है, आप स्वयं जाइए और जाकर के उनके यहाँ जाकर के बैठ करके उनके साथ दिखावे वाला भोजन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे अन्य पार्टियां खाना लेकर के गए अपने घर से और जब परेशान हो गए कि बीएसपी के भाईचारा से तो जाने लगे, कुछ लोग खिचड़ी लेकर के, कुछ लोग कुछ और लेकर के, और वहां हमारे लोगों ने खुल करके जा करके वहां पर बैठ के उनके साथ में हर तरह के शुभ कार्य में भी और दुखी कार्य में भी उनका साथ देने का काम किया और बढ़ चढ़ करके उनका योगदान भी किया, तब भाईचारा बना। और उसी का नतीजा था जब इसकी गूंज चुनाव जब आया तब हुई पूरे देश में और पूरे विश्व में हुई कि इस एक भाईचारे की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में 17 साल से जो चुनाव में जो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार ब्राह्मण समाज के योगदान से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की बनी और बहन मायावती जी को बना। बहन मायावती जी ने उसके बाद बढ़ चढ़ के जो भी बढ़ चढ़ के जो उन्होंने कहा था मंच से उससे कहीं ज्यादा, चाहे मंत्री बनाना हो, एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, विधान परिषद का अध्यक्ष हो, अधिकारी हो, सब ऊपर चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे महाधिवक्ता हो, चाहे चीफ जॉइनिंग काउंसिल हो, चाहे 2500 वकील ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश में सरकारी वकील बनाने का कार्य हो, उन्होंने कहीं पर भी अपने हाथ नहीं खींचे। जो भी हमने अनुरोध किया उस अनुरोध को उन्होंने ब्राह्मण समाज की चीज थी तो स्वीकार करते हुए और उसको उन्होंने मोहर लगाने का काम किया। लेकिन अब क्या है, हम लोग ब्राह्मण समाज को बहकाने का काम किया इन लोगों ने। बहकाने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ में उत्पात हुआ, हम लोग सोचते थे कि देखिए नीरज मिश्रा का सर काट करके सर काट दिया गया कन्नौज में नीरज मिश्रा के लड़के का, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ बात कह दी थी उनके नेता के सामने खड़े होकर के हिम्मत कर दी तो सर कटवा गया। न जाने कितने जो उनके मंत्री थे पांडे जी प्रताप करके पड़ोस के आके उनको इतना बेइज्जत किया कि पब्लिकली बेइज्जत किया कि वो अपने घर पे जब पहुंचे उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीजें ब्राह्मण समाज के लोग देख रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि शायद कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, लेकिन भूल गए तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में कानून से क्या मतलब। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी तो खाली काम एक ही करते हैं कि दिल्ली वाले लोग होते हैं वो आते हैं, उत्तर प्रदेश वालों को भी पब्लिक के सामने ठोक देते हैं, मीडिया के सामने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये उनकी पीठ ठोक देते, एक दूसरे की पीठ ठोकने के अलावा कुछ नहीं। और बाकी क्या ठोकते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति मिल रहा है तो उसको रोको, उसकी जात पूछो और उसको ठोक दो। तो इस तरीके का जो सरकार हम लोगों ने बनवाई, जिसने कि कहा था कि हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनवा देंगे, भगवान राम ही जानते हैं कि कब बनेगा, हो सकता है वो भगवान राम की इच्छा ये है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाए तभी जो है न्यू कंट्री डाल पाए वहां पर मंदिर की। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों को उनके सेंटीमेंट्स को लेकर के उनसे उनका पहले वोट लेकर के सरकार बनाने का काम और उसके बाद उन्हीं को तंग करने का काम उन्हीं को बर्बाद करना। आज कानून व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश, किसी से छिपाने की पूरे हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम ब्यूरो की उसमें उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है। बच्चियों का हर बच्ची के साथ में उससे ज्यादा हर रोज हो रहा हत्याएं, लूटपाट, डकैती, वो सब तो इतनी रोज होती है कि अब अखबार वाले भी थक गए कि उसको हम पहले पन्ने में कहां से न्यूज बनाए, वो आखिरी पन्ने में ले जाते हैं क्योंकि ये तो हो गई तो आम चीज हो गई। लोगों की नौकरियां लेगी, कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, हर साल 2 करोड़ लोग नौकरी ले रहे हैं। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, पहले रिजर्वेशन के नाम पे झगड़ा करवाते थे,
अब क्या किया इन्होंने, अब तो इन्होंने नौकरियां ही खत्म कर दी, रिजर्वेशन तो खत्म ही कर दिया। जब सरकारी नौकरी ही नहीं है तो झगड़ा पाएगा, कहते हैं कि मैंने इसीलिए नौकरी देना तो छोड़ो, जो नौकरियां मौजूद थी उसको भी खत्म कर, लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेरोजगार नौ युवक से कहते हैं, जो पढ़े लिखे नौ युवक है, किसी प्रबुद्ध वर्ग के नौ युवक, नौजवान लड़के पढ़ पढ़ के PhD करके ये करके उनके माता पिता अपना पैसा सब दे करके उनको पढ़वाते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कहते हैं जाइए पकौड़ा बेचिए, पकौड़ा बेचिए, और ये आपको नौकरी दे तो रहे हैं तो पकौड़ा भिजवा करके उनसे नौकरी का काम कराने का काम कर रहे हैं। पूरे आज केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह इनकी सरकार है, लेकिन क्राइम रेट घटने की जगह डबल रेट हो गया। इसलिए भाइयों मेरा आपसे अनुरोध है कि हम आपके बीच में फिर से आए, हर जिले में जाएंगे, आप यहाँ सबसे ज्यादा समय इसलिए दे रहे, कल रात में भी हम लोग रुके थे यहाँ पर, एक कार्यक्रम कल भी हुआ था, आज दो कार्यक्रम यहाँ से, दूसरा भी कार्यक्रम अभी है, अभी हम लोग यहाँ से कार्यक्रम डालने के पहले अभी निकल के जाएंगे। अनिल मिश्रा और सुरेंद्र मिश्रा जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए कि मजबूत ब्राह्मण थे और चुनाव में लड़ सकते थे तो उनको मार दिया गया, और उनको उनके साथ जो अन्याय पूरे परिवार के साथ हुआ, आर्मी में थे उनमें से किस तरीके से सब पढ़े लिखे तो दो लोगों की हत्याएं कर दी गई, बस खाली लीपा पोती करने के लिए कुछ लोग वहां से आ गए और उसके बाद कोई न्याय नहीं। लेकिन हम वहां जरूर जाएंगे जहां से उनके यहां से होते हुए, और जा करके फिर हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है कर्पूर में, वहां पर जाएंगे, और इसके बाद फिर इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद में कार्यक्रम है, फिर उसके बाद हमारा आगे कौशाम्बी में है अगले दिन, उसके अगले दिन हमारा प्रतापगढ़ में है, उसके अगले दिन सुल्तानपुर में है। इस तरीके से अनवरत अब अगले जब तक पूरा उत्तर प्रदेश हम नहीं घूम लेते हैं, और ब्राह्मण समाज के बीच में जैसे हम 2005 और 2007 के बीच में गए थे, उस तरीके से जब तक हम आपके बीच में आकर के और इनका असली चेहरा दोबारा आपको नहीं खोल के दिखाते हैं, तब तक हम चलते रहेंगे। और अपनी ताकत इकट्ठा करिए, मजबूती करिए, भाईचारा बनाइए, भाईचारा बना करके उत्तर प्रदेश में दोबारा से खुशहाली लाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से ठीक करने के लिए, बहन मायावती जी ने जितना विकास उत्तर प्रदेश का किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। लॉ एंड ऑर्डर दुनिया को मालूम है कि बहन मायावती जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, दोबारा लाने का काम करिए, बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश को फिर से खुशहाली की तरफ आइए, ब्राह्मण समाज का खोया हुआ मान सम्मान अपमान लौटाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसी के साथ करती है, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।